चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दुनिया में इस वक्त चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ नेता राजनेता चुनाव के दौरान चुनाव के प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा व्यस्त है, एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, वही एक दूसरे पर टिप्पणी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच देखने को मिल रहा है कई बड़े और अहम फैसले भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं नेता राजनेता। वेल, हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए बॉलीवुड के चर्चित परिवार देओल परिवार के बारे में। देओल परिवार जिसने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहद अलग और खास योगदान दे रखा है, बल्कि देओल परिवार ने राजनीति की दुनिया में भी धमाल मचाया हुआ है। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए बॉलीवुड की हीमेन सुपरस्टार धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और उनके बड़े बेटे सुपरस्टार सनी देओल के बारे में। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं, बीते कई सालों से राजनीति की दुनिया में हेमा और सनी देओल छाए हुए हैं। वहीं हाल ही में सनी देओल ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया और अब सनी देओल के बाद हेमा मालिनी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। आइए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए इस लेटेस्ट न्यूज के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के चर्चित देओल परिवार ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति की दुनिया में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। राजनीति की दुनिया में छाई रहती हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी, तो वहीं उनके सौतेले बड़े बेटे सुपरस्टार सनी देओल गुरदासपुर से सांसद है, लेकिन हमेशा ही सनी देओल काफी ज्यादा विवादों का सामना करती हुई नजर आए हैं, जब से उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा है। सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन की और गुरदासपुर में वह सांसद के तौर पर अपनी अलग और खास पहचान बनाई। साल 2019 में गुरदासपुर से भाजपा से लोकसभा चुनाव जीतकर सनी देओल ने अपनी अलग पहचान तो बना ली, लेकिन वह नेता बनने के बाद अपने वादे से मुकरती हुई नजर आए हैं। जी हां, पंजाब चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और लंबे समय से गायब हैं सनी देओल राजनीति की दुनिया से। वेल, आपको बताना चाहेंगे सनी देओल इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म गदर की रिपीट जानकारी के लिए आपको बता दें, सनी देओल जहां एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार से दूर नजर आ रही हैं, वहीं अपनी अपकमिंग फिल्म गदर के सीक्वल गदर 2 की शूटिंग में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। इसी दौरान देखने को मिला है कि चुनाव के प्रचार प्रसार से वह दूरी बनाते हुए नजर आए हैं, गायब हैं बीते लंबे वक्त से चुनावी मैदान से। ऐसे में देखा जाए सनी देओल चुनाव के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहने के चलते जोरों शोरों से चर्चा में बने हुए हैं। इसी दौरान ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को लेकर एक बेहद बड़ी खबर आ चुकी है, जहां एक तरफ सनी देओल ने अपने कदम पहले से ही पीछे हटा लिए हैं, चुनाव के प्रचार और प्रसार से वह लंबे वक्त से दूर हैं। वहीं अब हेमा ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। पंजाब चुनाव में भाजपा सहित अन्य सहयोगी दल के प्रत्याशियों का हेमा मालिनी प्रचार नहीं करेंगी। चुनाव प्रचार के उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। दरअसल दावा किया जा रहा है पंजाब में देओल परिवार के प्रति किसानों के विरोध के फैसले के कारण उनके प्रचार कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। इससे पहले गुरदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल पहले ही चुनाव प्रचार से किनारा करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं अब ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। हेमा को अमृतसर में रविवार को पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जाना था, लेकिन अचानक उनके सभी कार्यक्रम रद्द होने की चर्चा होने लगी है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि उत्तर देश और दूसरे राज्यों में प्रचार की व्यवस्था
के कारण उनके कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। कुछ नेताओं ने बताया है कि उनके प्रचार की अनाउंसमेंट के बाद पंजाब के किसान संगठन ने उनका विरोध करने का ऐलान किया था। पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले विवादों से बचने के लिए उनके प्रचार कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और किसान संगठनों में इस बात का गुस्सा है कि दोनों सांसदों ने किसान आंदोलन के दौरान एक भी बयान किसानों को लेकर नहीं दिया था और इस वजह से हेमा अब पीछे हट चुकी हैं। हेमा ने अब अपने कदम पीछे कर लिए हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान। आप सभी ने देखा जाना कि चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर अब हेमा ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। पंजाब इलेक्शन से पहले ही हेमा ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। आखिरकार क्यों? जैसा कि हमने आपको बताया इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।